उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारी हो रही है, चुनाव आचार से ही ताल लागू हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपना एक ज्ञापन दिया है और चुनाव आयोग से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं तो जो अधिकारी हम बता रहे हैं उनको उनके पदों से हटाइए। समाजवादी पार्टी के ज्ञापन में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ दल भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी जो वर्तमान में कई सीनियर ओहदों पर हैं उनको तत्काल हटाया जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे ज्ञापन में वर्तमान सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, सूचना के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और पुलिस महकमे के आला अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सहित एटीएस के एडीजी अमिताभ यश को पद से हटाने की मांग की है। इसके पीछे सपा का तर्क है कि इन्हें हटाने के बाद ही आगामी विधानसभा चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक हो पाएंगे। दरअसल सपा का कहना है कि ये सभी अधिकारी बीजेपी माइंडसेट के हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही खास हैं और इसलिए अगर ये चुनाव के दौरान अपने पदों पर रहे तो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।